गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे। तो गाइज, आज काफी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, मतलब 2 वीक के बाद। इतना गर्मी यार, कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। तो आज फाइनली भैया को काफी मनाने के बाद जाने का मौका मिला। भैया को, मम्मी को, कोई जाने बाहर दे ही नहीं रहते। इतना गर्मी, इतना धूप, मतलब लू चलता है ना, लू चल रहा था। तो बोल रहे थे मत जाओ कहीं भी, मतलब तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। तो आज जाने का मौका मिला है। आज हम लोग जा रहे हैं बांका ओढ़नी डैम घूमने के लिए। और जो भी बात है मैं आपको मतलब रास्ते में बताऊंगा। अभी लेट हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से लाइट कटा हुआ था और टंकी में पानी नहीं था तो नहाया नहीं था। फिर अभी जाके लाइट वगैरह आया तो फिर नहाया हूँ, अब जाके निकलूंगा। तो फटाफट निकलता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का ब्लॉग दिखाता हूँ। एंजॉय करना ब्लॉग को गाइज। अभी हम लोग फिलहाल घर से निकल चुके हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर है भैया बांका भागलपुर से? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से बांका, और बांका से ओढ़नी डैम करीब 14 किलोमीटर है। तो देखो कितना, 1-2 घंटे में तो पहुँच जाएंगे अप्रोक्स। 2 घंटे या 3 घंटे तो लगी जाएगा, है ना? तो 2 घंटा? 1 घंटा। क्या बात कर रहे हैं आप, चलाइएगा या उड़ाइएगा? रोड ठीक ठाक है तो रोड, एक घंटा में 60 किलोमीटर नहीं जाओगे, वो भी तो 125 सीसी गाड़ी से, तो क्या जाओगे? रोड बढ़िया है तो चलो चलते। अभी अभी एक और भैया है आगे, तो आगे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सभी लोगों से। और हमें तो जानते ही हो आपको, इनको तो जानते ही है। और ये दीपक भैया है, और आगे निर्मल भैया है, उनको भी दिखाऊंगा। तो फाइनली जाने के लिए हो चुके हैं रेडी, मतलब रेडी तो हो ही गए थे। जरा यहाँ पे ढाबा पे रुके थे, इस वाले ढाबा पे जरा चाय वगैरह पीने के लिए, तो चाय वगैरह पी लिए हैं। अब भैया जाने के लिए रेडी है ना? हाँ, तो ठीक है फिर, अब हम लोग जल्दी से निकल जाते हैं। जाने भी टाइम लगेगा 1 घंटे के अप्रोक्स। और देखो मतलब इतने दिन से बोल रहा था कि मौसम नहीं बन रहा, और आज देखो कैसा बिल्कुल बादल जैसा मौसम हो गया, बारिश वाला। तो मज़ा भी आएगा ये व्लॉग बनाने में, क्योंकि धूप नहीं है और थोड़ा उतना बैटरी भी नहीं जाएगा। मतलब ज़्यादा अगर धूप रहता है ना तो ज़्यादा व्लॉग करने में या फिर वीडियो शूट करने में बैटरी थोड़ा कंज्यूम होता है। तो नॉर्मल थोड़ा मतलब नॉर्मल वेदर में व्लॉग आप कीजिएगा या फिर वीडियो वगैरह बनाइएगा तो उतना बैटरी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलो जो भी है, हमने तो पावर बैंक ले लिया है, तो चलो चलते हैं जल्दी से फटाफट। गाइस अभी देखो यहाँ पे इस ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ है, जरा आगे बढ़ाना, देखो क्या लिखा हुआ है, मालिक महान है और चमचों से परेशान है। यूनिक चीज मतलब लिखा रहता है नहीं ट्रक के पीछे, मतलब स्लोगन लिखा रहता है, स्लोगन कहते हैं इसे। तो गाइस अभी हम लोग मात्र आधा रास्ते ही मतलब ट्रैवल किए थे, और मतलब उतना रास्ता भी हम लोग कवर नहीं किया अभी। और यहाँ से कितना किलोमीटर है भैया? 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर के अप्रोक्स और है यहाँ से, मतलब बांका है ना, यहाँ से बांका 10 किलोमीटर के अप्रोक्स है, फिर वहाँ से ओढ़नी डैम 16 किलोमीटर के अप्रोक्स है। तो बारिश अचानक स्टार्ट हो गई क्योंकि मौसम बेकार था, और उतने देर से बारिश नहीं हुआ और अचानक देखो आज बारिश हो गया। मतलब देख रहे हो क्या माहौल बन गया है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये देखो, हम एक जगह रुके थे, हमें यहाँ पर रेनबो दिखा, देख रहे हो, मतलब उस तरफ बारिश हो रही है और इस तरफ धूप ही धूप है। धूप और बारिश दोनों हो रहा है, नहीं धूप और बारिश दोनों। अभी बारिश रुक चुकी है, जाने के लिए हो गए हैं रेडी हम लोग। देखो पूरा ज़्यादा देर वैसे बारिश हुआ नहीं, मात्र थोड़ा देर ही हुआ, पूरा का पूरा रास्ता गीला का गीला हो गया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का माउंटेन टाइप का, क्या माउंटेन ही है वो। और यहाँ बारिश से पूरा गाड़ी गीला हो गया। तो चलो जल्दी से फटाक से पहुँचते ओढ़नी डैम, है ना भैया? तो आपका, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्या? निर्मल भैया आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जा रहे हैं, बताओ। मैं भी अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आपको मैं एक व्यू दिखाने वाला था, तो बिल्कुल जानबूझ के रुका हूँ। ये देखो ये माउंटेन तो दिख ही रहा है आपको, मेरी आवाज़ हो सके कट रही हो हवा की वजह से, और ये देखो आपको रेनबो देख लो, माय गॉड क्या व्यू है, नहीं फोकस हो जा रहे बहन का लौड़ा। तो गाइस फाइनली ओढ़नी डैम पहुंच गए हैं। काफी टाइम लगा यार पहुंचने में, बता नहीं सकते क्या क्या घटना घटा है हमारे साथ, क्या भैया?
यार गूगल मैप से रास्ता देख रहे, गूगल मैप घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, बोल रहा है लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न। कितना किलोमीटर कम से कम लेफ्ट कर करके घुमा दिया, वो 10 किलोमीटर भी आराम से लेफ्ट टर्न ले लो, आ जाओगे आप, आ जाओगे। तो फिर फाइनली अभी पहुंच गए हैं ओढ़नी डैम, तो चलो इन्जॉय करते हैं ओढ़नी डैम को और घूमते हैं आज यहाँ पे। ऐसे घूमने का तो बड़ा मस्त मस्त चीज़ मुझे दिख रहा है। सही तो लग रहा है ये डैम, ओढ़नी डैम, इसी का नाम है ओढ़नी डैम गाइस। बोटिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे सारा प्राइस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। देखो मैं पढ़ के तो बताऊंगा नहीं, बाकी वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। तो गाइस ये है कुछ ओढ़नी डैम का व्यू वगैरह, यार क्या बताऊँ मुझे, मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया। मतलब मैं सोचा काफी अच्छा मतलब होगा जगह घूमने का, घूमने का वैसे जगह तो है, पर जो मतलब बोटिंग वगैरह उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है यार। मतलब 500 रुपये ले रहा है, 500 रुपये मैं नहीं दूंगा यार, इतना महंगा कौन है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा 500 रुपये का। मैं पता है कहीं दूसरे जगह जा करके मैं एक और मेरा ब्लॉग शूट हो जाएगा, तो और हर चीज़ का मतलब वैसे नॉर्मल बोटिंग का भी वैसे 500 रुपये 200 रुपये अब मुझे करने का मन ही नहीं है। मेरा करने का एक ही जगह मैंने ऋषिकेश में राफ्टिंग, अब वहीं पर जा कर करूँगा अगर इन फ्यूचर कभी जाता हूँ ऋषिकेश, जाऊँगा तो वैसे ज़रूर पर जरूर राफ्टिंग करूँगा, उसका ब्लॉग आपको बना के जरूर दिखाऊंगा। तो वैसे ओढ़नी डैम के बारे में बता दूं कि ओढ़नी डैम बांका डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको स्टार्ट 2001 में किया गया था। यहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि जंगल सफारी, नेचर सफारी, माउंट कैंपिंग, साइकिलिंग, फिर जिप लाइनिंग, ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ के सरकार ने, जो बिहार सरकार है यहाँ के, मतलब इस जगह को खास करके टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस जगह को बनाया है ओढ़नी डैम को। तो चलो जो भी है जैसा भी है मज़ा आया घूमने में। तो गाइस ये वाला मतलब ये जो है ना, ये देखो ये जो लाइन दिख रहा है ये पूरा डैम का रास्ता है, ये डैम मतलब बनाया हुआ है। और ऊपर वहाँ पे एक मंदिर भी है पहाड़ पे, को मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो दिख रहा होगा आपको। गाइस अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़ के ऊपर का व्यू देखेंगे कैसा लगता है। बांस का बनाया हुआ ये रास्ता सही है यार, देखो देख रहे हो ठीक है, मतलब सीढ़ी जैसा बांसों से बनाया हुआ है। और देखो ये व्यू क्या टॉप है, जो टूट ना जाए कहीं। तो भैया बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस ओढ़नी डैम का? एकदम बेकार है, कुछ नहीं है घूमने में मजा, ऐसा मत बोलिए, बस यहाँ शांति मिलेगा। तो गाइस ये था हमारा कुछ ओढ़नी डैम का व्लॉग, ठीक ही ठाक है यार, एवरेज मतलब मजा आया। आधा से ज़्यादा रास्ता तो मतलब गूगल मैप ने, यार चूतिया मैप है कसम से, गूगल मैप जो होता है ना एक नंबर का चूतिया मैप होता है। ऐसा बात मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार होता है, होता है सही, पर मतलब जिस जगह पे उसे दिखाना चाहिए रास्ता वो जगह सही नहीं दिखाता है। मतलब एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर हमें वो घुमा दिया है, आप सोच सकते हो लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो, पेंचू जाना का हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा लेफ्ट लेके। तो चलो जो भी है अच्छा लगा ओढ़नी डैम आकर के, मज़ा आया। ये था हमारा कुछ ओढ़नी डैम का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग अब कब आएगा पता नहीं, इतना मुश्किल से जाने का मतलब व्लॉग बनाने का मौका मिला था, ये तो साला धूप वगैरह हो रहा था इतना दिन से, आज बारिश हुआ तो लौड़े लग गए। तो कोई नहीं, चलो जो भी है बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी कनेक्टेड, बाय बाय।